हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा और आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज बेस्ट डांसर के बारे में, सीजन 2 के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स थी, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और गाइस, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 20 जून इसकी लास्ट डेट है, आराम से फॉर्म फिल कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस के साथ वीडियो बनाइए, बिल्कुल सही तरह से बनाइए। आपको आज बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है सही तरह से, आपके कमेंट्स को रीड करके आपके आंसर्स दूंगा। सबके मैंने कमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं जो वैल्यूबल्स थे, और बाकी तो सबके ही वैल्यूबल्स कमेंट्स थे, आप लोगों के ऐसा नहीं है, बट कुछ कमेंट्स जिनके मुझे लगा कि चलो इनके आंसर्स देने चाहिए, वो कमेंट्स के आंसर्स मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कमेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो कमेंट्स है गाइज, वो है गाइज चुटकी डांसर लिखती है हेल्प मी सर। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा चुटकी के, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने पूछा क्या है, तो कृपया करके आप दोबारा मुझसे कुछ पूछिए या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तो बनाना पॉसिबल नहीं है। चलिए दूसरा कमेंट रीड करते हैं, वो है शिवम पॉप लिखते हैं, मेरे में तो फॉर्म आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं शिवम, अगर फॉर्म नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको सोनी लीव को ही डाउनलोड करना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कैसे करना है। दूसरा, जब भी आप सोनी लीव ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप देखना उसके अंदर एज क्राइटेरिया आता है, यानी कि कौन सा आप कितने साल के हो, तो आप उधर 2000 डालिए, 2001 डालिए, यानी कि 18 प्लस डालने की कोशिश कीजिए उधर। और वो आपकी एज नहीं मांग रहे, वो ये मांग रहे हैं कि सोनी लीव ऐप को चलाने वाला पर्सन कितनी एज का है, तो उसके अंदर आप अपनी एज बढ़ाकर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपका फॉर्म डेफिनेटली खुल जाएगा। बाकी मैं आपको एक प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है वो डेफिनेटली वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए दूसरा कमेंट रीड करते हैं, सैजल लिखते हैं व्हाट इज द लास्ट डेट। सैजल मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे मैं सबको ही बता चुका हूँ कि 20 जून इसकी लास्ट डेट है, बट आप ये मान के चलिए 15 जून तक मुझे पूरा का पूरा काम अपना कर लेना है। चलिए और रीड करते हैं कमेंट, जैसे कि डी डांस लिखते हैं, 1 मिनट का वीडियो दसने से प्रॉब्लम होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, इनका कहने का मतलब है 1 मिनट की वीडियो डाल सकते हैं, डेफिनेटली डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अक्सर मैंने तो यही देखा है जितने भी डांसर्स होते हैं वो टाइमिंग ज़्यादा मांगते हैं, 1.5 मिनट की वीडियो से 2 मिनट की मांगते हैं, 3 मिनट की वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, बट आप बोल रहे हो कि मैं 1 मिनट की वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो 50 MB से कम की होनी चाहिए वीडियो, 50 MB से ज़्यादा की वीडियो मत रखना, और आपको 1 मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, अच्छा है, 60 सेकेंड की वीडियो चल जाएगी। आगे चलते हैं, दूसरा लिखते हैं DS सुनील सिंह, वो लिखते हैं सर 2 वीडियो अपलोड करना सही होगा क्या। तो सुनील मैं आपको बता दूं, आपकी वीडियो एक ही सिलेक्ट होगी, आप 2 करो चाहे 10 करो, और 2 वीडियो का ऑप्शन तो मैंने तो देखा नहीं कि भाई फॉर्म में 2 वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, 1 वीडियो अपलोड करते ही नेक्स्ट का ऑप्शन आता है और फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। दोबारा वीडियो अपलोड करोगे तो आपके 2 वीडियो नहीं जाएंगी, मतलब चली तो दोनों ही जाएंगी बट देखी एक ही जाएगी, तो अगर आप 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी दोनों वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए। हालांकि 2 वीडियो का ऑप्शन मैंने अभी तक 2 फॉर्म भर दिए, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है, और नीचे मैंने इनको जवाब भी दिया था, कर सकते हो। ठीक है, साथ एक और रिप्लाई आया पायल दिवाकर का, उन्होंने बोला यस मैंने 2 वीडियो ही की हैं। चलिए आगे नेक्स्ट कमेंट को देखते हैं, वो है DP डांस ऑफिशियल लिखती हैं सर मैं 13 की हूँ और अक्टूबर में 14 की हो जाऊंगी, क्या मैं इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई टेल मी। इन्होंने लिखा है, काफ़ी रिस्पेक्टफुली लिखा है, काफ़ी प्लीज़ लिखा है, तो हाँ आप देखो मैं आपको बता दूँ ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जब फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तो आज के टाइम में आपकी जो एज है वो 13 है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी। और आप अक्टूबर में हो रही हैं, अगर आप जून में हो जाते तो आप फॉर्म को फिल कर सकते थे, बट इसमें नहीं हो सकता आपका, अगले साल आप वेट कीजिए, अभी तो और भी कॉम्पिटिशन्स लिख लेंगे डांसिंग के, उसमें हम आपको बताएंगे डेफिनेटली। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अकर सिंह लिखते हैं कि भैया आपने अपना नंबर क्यों डाल दिया, लोग आपको फ़ोन करेंगे,
तो अकर सिंह, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आपने इतनी रिस्पेक्ट के साथ ये चीज़ बोली है कि मुझे फील हुआ कि यार लोग ये बात भी सोचते हैं कि यार नंबर डालने से प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मैंने जो नंबर डाले हैं वो मैं आपको बता दूँ, मैंने फेक नंबर डाले हैं, वो नंबर रियल नहीं है। उनके पास कॉल करोगे तो किसी और के पास जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, बहुत अच्छा लगा ये कमेंट मुझे, हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, बट अकर सिंह मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कमेंट आपका, तो मुझे लगा कि ये कमेंट लेना चाहिए। हालांकि मेरे पास कमेंट ज़्यादा आते नहीं हैं, 20-30 कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, जो कि काफ़ी पसंदीदा होते हैं, मुझे काफ़ी सही लगते हैं और मैं सबके रिप्लाई भी करता हूँ। तो आगे चलते हैं एक और कमेंट्स को लेकर। बॉबी ठाकुर लिखती है, भाई रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करने पर भी वीडियो सिलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा। तो बॉबी ठाकुर, आपके लिए वीडियो बना दी है, अभी थोड़ी सी देर बाद मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, उसके अंदर बताएंगे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो रहा है, वीडियो अपलोड कर नहीं कर पा रहे और आपका रजिस्ट्रेशन फुल हो गया और सक्सेसफुली दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक और कमेंट है अमन कुमार, वो लिखते हैं, ब्रो डांस रियलिटी शो में क्या मनी भी लगती है? तो मैं आपको बता दूं, डांसिंग रियलिटी शो, सिंगिंग रियलिटी शो, किसी भी तरह का कोई ऑडिशन हो, कोई भी मनी देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका फ्री होता है, क्योंकि आप अपना ऑडिशन देने जा रहे हैं, आप पैसे क्यों दोगे? सिंपल सी बात है। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं कंपनी के अंदर, क्या आप पैसे देते हैं कंपनी को कि भाई ये लो पैसे और मैं इंटरव्यू अब दूंगा? और ये तो गलत हो गया ना। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना होता। अब ट्रैवलिंग चार्ज हो गया आपका, रहने का हो गया, खाने का हो गया, वो तो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हाँ आपका खर्चा होता है, बट ऑडिशन में किसी भी तरह का कोई खर्चा आपको नहीं होगा। हो सकता है फॉर्म की फ़ीस 10-20 रुपये हो, क्योंकि जो फॉर्म का कागज़ है उसकी फ़ीस वो ले लें, बट और कोई पैसा आपको नहीं देना होता है। उसी के साथ गई एक और बॉबी ठाकुर ने लिखा है कि भाई बिना वीडियो सबमिट करे ही फॉर्म कंप्लीट हो गया है। हाँ बिल्कुल, इसी के ऊपर मैं अब वीडियो बनाऊंगा और अभी ये वीडियो, इसके बाद वीडियो प्ले होगी, तो वीडियो को जरूर पूरा देखना। आपके बहुत जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, वो सब कवर हो जाएंगे। चलिए वीडियो देख लेते हैं। गाइस, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये भी देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोगों के सर्वर डाउन होने की वजह से सोनी लिव ऐप में जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो पूरा फिल कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन पूरा फिल कर देते हैं, जब वीडियो अपलोड करने की बारी आती है तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है कि वो वीडियो का उनके पास बटन नहीं आता नेक्स्ट का, और बटन नेक्स्ट का नहीं आता या फिर वो फाइल नहीं आता जहाँ से हम ट्रांसफ़र कर सकें वीडियो को अपनी, तो उसके बाद वो क्लिक करते हैं तो सीधा सक्सेसफुल दिखा देता है, यानी कि आपने वीडियो अपलोड नहीं करी बट फॉर्म आपका सक्सेसफुली फिल हो गया है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन के अंदर आपकी वीडियो है नहीं, तो कैसे आपको जज करेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को नज़र आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप सोनी लिव ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा फॉर्म फिल कर लीजिए, या फिर आप इसको फोर्सली दोबारा क्लीन करके पूरा डाटा फिर से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोन में दो तरह से ऑप्शन आते हैं, ऐसे में क्लिक करूँगा तो इनफॉर्म का ऑप्शन है, इस पर जाऊँगा और आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा का पूरा डाटा खुल चुका है। उसके बाद मैं इधर और भी ऑप्शन है, इसे फोर स्टॉप का हो गया और ये हो गया, और ओपन में आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको गाइस फिर से दिखाऊं तो मैं ऐप को ओपन करता हूं तो ये मेरा सीधा इधर ही आ जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई उनका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं आ रहा एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करने के, आप देख सकते हैं सोनी LIV ये लोगो है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे भी हम बात करेंगे। फिलहाल आपको फिर ये ऊपर जो दिख रहा है ये, इसको आपको स्वाइप अप करना है, आप देख सकते हैं ऑडिशन ओपन का इधर ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑडिशन, मैंने फॉर्म को फिल कर दिया, तो इसलिए मैं अगर इस ऑडिशन के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पे ये ऑप्शन आएगा कि मेरा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली हो चुका है और 15 दिन बाद मेरे को मैसेज या जो भी आ जाएगा। अब आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपने वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो आपको क्या, इस ऐप को या तो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना है, या फिर आपको दूसरे नंबर से रजिस्टर्ड करना है। दूसरे नंबर से आप जब भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं जब आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दोगे। तो आप क्या गाइस, आप इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है वैसे ये चीज़ करने के लिए, आप देख सकते हैं ये इधर मोर का ऑप्शन आ रहा है, मोर के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तब भी इधर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि अपनी आईडी चेंज करने का ऑप्शन है ये, इसको मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ।
आप देख सकते हैं साइन आउट का इधर ऑप्शन आ रहा है, अगर ये क्लियरली आपको विजिबल हो रहा हो तो साइन आउट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये साइन आउट हो जाएगा। ओके, मैंने साइन आउट कर दिया इधर, आप देख सकते हैं साइन आउट हो चुका है इधर। और उसके बाद गाइज आपको साइन इन पे फिर से क्लिक करना है और इधर आपको अपने नए नंबर से, किसी नए नंबर से रजिस्टर्ड करना है। अब मैं कोई अपना दूसरा नंबर ट्राई से मैं कंटिन्यू करता हूँ, ओटीपी आएगा और उसके बाद हम फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे। तो जब गाइज आप दूसरे नंबर से फॉर्म फिलिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं गाइज मेरे में फिर से पूरा का पूरा फिर से वही टर्म्स और कंडीशंस का सारा ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे कि जैसे आप नए नंबर चेंज करते हैं तो आपके पास दोबारा से फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आ जाता है, नाम वहाँ वही रख सकते हैं पूरा का पूरा। अरे ये फिर से वो हो गया, मैं फिर से टिक कर देता हूँ सबको, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये टर्म्स और कंडीशंस हैं गाइज, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं सेलेक्ट योर लैंग्वेज, इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से आप देख सकते हैं नेम वेम सब कुछ फिलिंग का ऑप्शन आ चुका है। मैं इधर फटाफट कुछ भी नेम डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ गाइस, आपको दिखाने के लिए मैं डाल रहा हूँ फटाफट कुछ भी, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि भाई नहीं आ रहा हमारा, तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। गाइस ये मोबाइल नंबर पे मत जाइए, सारे नंबर जो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ मैं रैंडमली ही डालता हूँ, तो इन पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेल आईडी मेरी कन्फर्मली मेरी है मेल आईडी, स्टेट स्क्वायर में बिहार डाल देता हूँ, सिटी में पटना डाल देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो फिर से गाइस आप देख सकते हैं आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं आ रहा, इधर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, सेल्फ पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और इसके अंदर कुछ आप जो भी आप हैं डांसर डालिए। उसके बाद ये लोकेशन बोल रहा है तो दिल्ली लोकेशन में डाल देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है? नहीं, ये मैंने कर दिया इधर। उसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं, अब आप देख सकते हैं गाइस ये रिकॉर्ड का ऑप्शन आ चुका है। जो लोग बोल रहे थे रिकॉर्ड का ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा, शो नहीं कर रहा, देखो आप नीचे रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं दोनों फाइल का ऑप्शन आ रहा है, मैं फाइल तो मेरा सीधा का सीधा इधर खुल जाता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा समझ में आया होगा, आपकी जो भी वीडियो होगी आपको सिलेक्ट करना है और इधर डाल देना है। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको कौन सी ये वाली डाल देता हूँ और आप देख सकते हैं ये जा रही है और आप देख सकते हैं इधर सक्सेसफुली दिखा रहा है। मैं ओके करूंगा और ये मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो गाइज ये मेरे को आपको समझाना था कि कैसे करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं फिर से सबमिट हो चुका है। हालांकि मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको और आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप बाय चांस कोई गलती कर देते हैं, कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करके साइन आउट करके दोबारा लॉग इन करके करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।